नमस्कार दोस्तों, कृष्णायस में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर हम लोग यूपीएससी 2020 के जो प्रश्न आए हैं उसके माध्यम से हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी के डिमांड के अनुरूप आंसर कैसे लिखें। एक चीज़ जो भ्रम आम तौर पर फैलाई जाती है कि हिंदी माध्यम में एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इससे भ्रम को अगर आप यूपीएससी 2020 के रिजल्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी माध्यम में भी ऑप्शनल पेपर में जो सबसे अधिक मार्क्स आए हैं वो एंथ्रोपोलॉजी में ही आए हैं, है ना। प्रकाश कुमार चौधरी जी को आए हैं 273 मार्क्स। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, चूँकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाते रहा हूँ और ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, है ना, कम बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, तो रिजल्ट जो दिखता है उसमें ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के दिखते हैं, हिंदी मीडियम के कम रिजल्ट दिखते हैं। और दूसरी जो ऑप्शनल है जिसमें हिंदी मीडियम में मैं बात कर रहा हूँ उसमें रिजल्ट दो चार दिख जाते हैं, क्योंकि उसमें जैसे हिंदी साहित्य की मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य में कम से कम 500-600 बच्चे मेंस लिखते हैं और उसमें से 5-10 बच्चों का रिजल्ट हो जाता है, तो एक दिखाई देता है कि चलो हिंदी साहित्य में 10 बच्चे पास हैं, हिंदी मीडियम में पास हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में जो बच्चे हिंदी मीडियम में अपीयर हो रहे हैं वो बहुत कम संख्या में। जैसे मेरे पास अभी एक ही प्रकाश कुमार चौधरी जी 2020 में थे हिंदी मीडियम से, और जो फाइनली क्वालिफाई भी किए और उनका मार्क्स भी हिंदी मीडियम के सारे ऑप्शनल से ज़्यादा है। तो ये जो सीरीज मैं आपको आपके साथ लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, कृष्णा यस के यूट्यूब चैनल पर, तो इसमें मेरा मकसद ये है कि आप पहले ये बात देखें कि क्या रियल में वास्तव में एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आपको आती है, आप खुद फील करें। क्योंकि इसके पहले जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ वो इंग्लिश में भी है, ठीक है, मतलब जो लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे वो इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, और जो लोग स्पेशली हिंदी मीडियम के हैं, अगर आपको लगता है कि हिंदी मीडियम में आंसर की क्वालिटी कम होती है तो आप दोनों वीडियो को देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे। दरअसल बात मीडियम की नहीं है, बात ये है कि एंथ्रोपोलॉजी जिस तरह से परफॉर्म 2013 से ही कर रहा है, राइट, और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं और उनको ज़्यादातर लोग जो कन्विंस करते हैं कि ये ऑप्शन ले ले, तो ज़्यादातर मतलब इवन की टीचर भी उसको वास्तविकता नहीं बताते हैं और उसको बोलते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम में संभव नहीं है। उसको मैंने करके दिखाया है, 2013 से लगातार कई रिजल्ट हिंदी मीडियम में भी है और इस बार का तो रिजल्ट एकदम दिखा रहा है कि हिंदी मीडियम में भी जब एंथ्रोपोलॉजी में ही हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है ऑप्शनल में और इंग्लिश मीडियम में भी एंथ्रोपोलॉजी में ही हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है ऑप्शनल में, तो अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हिंदी मीडियम के छात्रों को। हाँ, एक चीज़ आपका डाउट हो सकता है कि चूँकि हिंदी मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी देश में एक तरह से यूपीएससी को लेकर मैं अकेला टीचर हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में मैं खुद पढ़ाता हूँ, अदर भी टीचर हैं, ठीक है, तो आपको अगर ये डाउट लगे कि हिंदी मीडियम में जो आपको मटेरियल डिलीवर किया जा रहा है वो इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी के इंग्लिश मीडियम से किसी प्रकार के अगर कम है, तो आप एक तो मेरा चैनल भी देख लीजिएगा और दूसरे का भी चैनल अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा कि कंटेंट के लेवल पर हिंदी मीडियम के बच्चे जो मेरे स्टूडेंट होते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको मैं सेम कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, इवन कि सेम कंटेंट ही रहता है। चूँकि हिंदी मीडियम में कम बच्चे ले रहे हैं तो चूँकि जब तक क्वालिटी की डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक मार्क्स से आपके इंग्लिश मीडियम में जितने आए हैं उतना नहीं टच करेगा, ये बात ध्यान में रखना है कि जैसे इंग्लिश मीडियम में अगर 800-700 बच्चे एंथ्रोपोलॉजी से दे रहे हैं, 600 बच्चे दे रहे हैं,
तो हिंदी मीडियम में गिने चुने होते हैं, दो चार बच्चे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को हिंदी मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी रखने से कई शिक्षक भी रोकते हैं, राइट। उनका अपना इंटेंशन होता है, उनका ये होता है कि बच्चा एंथ्रोपोलॉजी न लेकर के हिस्ट्री ले ले, हिंदी साहित्य ले ले, पॉलिटिकल साइंस ले ले, क्योंकि उनके कोचिंग से में ये विषय चलती रहती है, तो वो लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और नए बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो नए बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको एक तरह से एंथ्रोपोलॉजी को लेकर भ्रम पैदा किया जाता है हिंदी माध्यम के छात्रों को, चूँकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनका जो सोशल स्टेटस है थोड़ा सा हायर होता है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, तो उनको कोई दिग्भ्रमित नहीं कर पाता है। जबकि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनको ऑप्शनल के चयन पर भी दिग्भ्रमित कराया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंथ्रोपोलॉजी ही रखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप मार्क्स तो देखिए कि मार्क्स किस विषय में ज़्यादा मिल रहा, राइट। और जो विषय में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, इवन कि हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम में मैं बात कर रहा हूँ, उस विषय को ऑप्ट करना बुद्धिमानी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप नंबर से ही पास करते हैं, राइट। तो आज के इस सत्र में हम लोग यूपीएससी 2020 से का एक प्रश्न है, ये फर्स्ट पेपर है ना, यानी प्रथम पत्र, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1B आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले का जो मेरी यूट्यूब चैनल आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर A1 का A मैं डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसको, और उसका इंग्लिश में भी डाला हुआ है, अलग अलग है ना, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो दो बातें आपको देखनी है कि क्या हिंदी में जो क्वालिटी है, आंसर में जो कंटेंट की क्वालिटी है, किसी प्रकार से इंग्लिश से मतलब डाउन है। इवन कि आप कोशिश कीजिए कि मेरे अलावा किसी और का भी आप इंग्लिश मीडियम का देख सकते हैं, चूँकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैं दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ, कई लोग जो हैं केवल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और आपको अगर भ्रम हो कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट ज़्यादा बेहतर मिल रहा, तो आप देख लीजिए, और देखने के बाद तय कीजिए कि हिंदी मीडियम में हमारा कंटेंट कितना रिच है। मैंने कोशिश किया है आपको कि रिच कंटेंट आपको मिले और आपको किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो, तो आज हम लोग इस पर बात करें। तो इसके अंतर्गत 1B जो क्वेश्चन है, इसमें लिखना है शैपिर उर्फ परिकल्पना, राइट। अब भी इस पे हमें क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स, यानी हमें इस पे लिखना है शॉर्ट नोट्स, और ये 150 शब्दों में लिखना है। देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपका ये है, राइट, हाउ टू राइट आंसर। और एक चीज़ ये रियलिटी है कि अभी भी हिंदी माध्यम के छात्र ऑप्शनल पेपर में नोट्स भी बना रहे हैं और 200, 250, 300 शब्दों में नहीं बना रहे हैं, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कम करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और टू द पॉइंट आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब देखिए कि अगर 150 शब्दों में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले तो इससे जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस से थोड़ी सी समझने के लिए अंग्रेजी का टर्म या कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नाम किसी का है तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं होती है। और मैंने फेसबुक पर, अपने फेसबुक पर प्रकाश जी की कॉपी का भी कुछ है, मैंने आंसर का ये डाला था, और उसमें भी वो लगातार मतलब जब भी लिखे हैं उसमें टर्म इंग्लिश में लिखते हैं, नाम भी इंग्लिश में लिखते हैं, उसमें कोई
दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्क्स मिली है एंथ्रोपोलॉजी में 17 में 300 नंबर और अभी 2020 में 273 नंबर, जो कि हाईएस्ट है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सेपिर उर्फ परिकल्पना पर जब हमको आंसर लिखना है तो पहले तो इसको क्लियर करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एंथ्रोपोलॉजी का जो थ्योरी का पोर्शन है, जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन है, वो नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ जिन लोग को एकदम ABC जानकारी नहीं है इसकी, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें है, किसकी बातें हम कर रहे हैं, और फिर आंसर आप कैसे लिखेंगे। और जो लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो फॉर्मेट है, जो आंसर लिखना है, उसमें कैसे कैसे है कंटेंट हमको डालना है। तो फर्स्ट आपको लिखना है कि ये क्या है, किसके बारे में है, क्या है। तो ये क्या है को स्पष्ट करने के लिए पहले ये जो चीज़ दिया हुआ है सेपिर उर्फ हाइपोथेसिस, तो ये नाम है एक तरह से। ये सेपिर जो नाम है ये एडवर्ड सेपिर है, इनका पूरा नाम, ठीक है। और उर्फ जो है इनका पूरा नाम है बेंजामिन ली उर्फ। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है कि बेंजामिन ली उर्फ जो है आप हिंदी में लिखें, आप बेंजामिन ली उर्फ आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। एडवर्ड सेपिर चूँकि नाम है तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो पहला हमें कोई भी चीज़ें अगर लिखनी होती है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, तो आंसर लिखना है तो पहला काम हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखना। ध्यान ही रखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी विषय वस्तु पर आंसर राइटिंग करने के लिए, और ख़ास करके जब आप UPSC का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, UPSC के क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि ये फॉर्मेट चेंज होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये फॉर्मेट आपका चेंज होगा, फिर भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो है मैनर आंसर राइटिंग के, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ की इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि सेपिर उर्फ परिकल्पना या सेपिर उर्फ हाइपोथेसिस क्या है, राइट। तो देखिए ये दो पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो लिखना नहीं है आपको डायरेक्ट, चूँकि अब ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे आ रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखना है। लेकिन बैकग्राउंड अगर आप जानते हैं तो थोड़ी सी बेहतर होती है। ये एडवर्ड सेपिर जो थे ये भाषाई मानव विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान थे, और ये फ्रेंच वॉस के शिष्य थे, अमेरिकन मानव शास्त्री फ्रेंच वॉस के शिष्य थे, जिन्होंने कल्चर रिलेटिविज्म या हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को एंथ्रोपोलॉजी में दिया था। ये एडवर्ड सेपिर ने 1929 ईस्वी में एक आर्टिकल लिखी, ध्यान में रखना है कि आर्टिकल है, ये बुक नहीं है, ठीक है। और इसमें उन्होंने लिखा द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज एज ए साइंस। देखो ये बुक है, बुक का मतलब आर्टिकल का नाम है, या बुक का नाम हो, आर्टिकल का नाम हो, कोई टर्म हो, ठीक है, उसको अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं, आपको उसके लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एडवर्ड सेपिर ने 1929 ईस्वी में ये आर्टिकल लिखा द स्टेटस ऑफ
लैंग्वेज एज ए साइंस। और इसी आर्टिकल में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। इसका हिंदी होता है भाषाई नियतिवाद, ध्यान ही रखना। नियतिवाद का मतलब होता है जो नियत है, जो निश्चित है, उसको डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा कि भाषा संस्कृति को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है, राइट। और आगे बढ़ के इन्होंने कहा कि भाषा मनुष्य की जो विचार प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस जो है, मनुष्य की जो कार्य प्रणाली है, एक्शन, मनुष्य के जो वर्ल्ड व्यू है, विश्व दृष्टि, और मनुष्य के जो सोशल रियलिटी है, जो सामाजिक के वास्तविकता आपका है, इन चीज़ों को निर्धारित करती है। साथ ही साथ जो मनुष्य के सांस्कृतिक व्यवहार हैं, कल्चरल बिहेवियर है, इसको डिटरमाइन करती है, राइट। यानी इनका मेन जोर क्या था कि भाषा संस्कृति को निर्धारित करती है, नियत करती है, निश्चित करती है। और ये अध्ययन करते भाषा और संस्कृति की अंतः संबंध का, लेकिन इनका जोर था कि भाषा संस्कृति को डिटरमाइन करती है। बेंजामिन ली उर्फ जो हैं, ये इनकी स्टूडेंट थे, शेपिर के स्टूडेंट थे, और इन्होंने 1940 ईस्वी में एक आर्टिकल लिखा, राइट, लैंग्वेज एंड साइंस। अब इसको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे लैंग्वेज एवं साइंस के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एकदम सही समझ जरूरी है। मोटा मोटी समझ रखने से यूपीएससी में मार्क्स नहीं आता। चूँकि एक चीज़ क्या होता है कि आमतौर पर हिंदी भाषी छात्र जो होते हैं, वो हिंदी भाषा के डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। अंग्रेजी भाषा में क्या है कि चूँकि वो एक विदेशी लैंग्वेज है, तो हम कोई भी टर्म अगर सुनते हैं और हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो उस टर्म के बारे में हमारी जो समझ होती है वो एकदम क्लियर होती है। और चूँकि आपको यूपीएससी परीक्षा पास करनी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इतनी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ली उर्फ कह रहे हैं कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस कल्चर, है ना, भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है। ध्यान ही रखना, ये कह रहे हैं कि भाषा संस्कृति को नियत करती है, या भाषा संस्कृति को निर्धारित करती है। और ये कह रहे हैं कि प्रभावित करती है। देखने में, सुनने में लग रहा है कि सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है, क्योंकि एडवर्ड सेपिर जो है, भाषा का जो प्रभाव है संस्कृति पर, उसको काफ़ी स्ट्रांगली बताते हैं कि वो एकदम डिटरमाइन कर रहा संस्कृति को। बेंजामिन ली उर्फ कह रहे हैं कि डिटरमाइन नहीं कर रहा, वो प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा। और ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर ही हम इसको कहते हैं शेपिर उर्फ परिकल्पना, या शेपिर उर्फ हाइपोथेसिस, ध्यान में रखना है। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, ठीक है, हमें कम शब्दों में लिखना है,
कम शब्दों में लिखने के लिए भी आवश्यक है कि जिस चीज़ पर आप आंसर लिखने जा रहे हैं उस चीज़ के संदर्भ में परफेक्ट जानकारी हो, और टर्म आप जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो एकदम क्लियर हो आपके पास, तभी आप कम शब्दों में लिख पाते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है हिंदी के छात्रों के साथ, ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि परफेक्शन टर्मों के संदर्भ में परफेक्शन कम होती है। जैसे हमने लिखा भाषाई नियतिवाद, तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नियतिवाद को समझ वो नहीं पाएंगे, क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, तो हमें टर्म यूज़ करना है भाषाई नियतिवाद। तो नियतिवाद को तो हमें जानना चाहिए ना कि ये क्या है ना, एग्जैक्ट उसका क्या मीनिंग आपके दिमाग में जा रहा। तो पहला काम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे, इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिखेंगे कि शैपिर उर्फ परिकल्पना भाषाई मानव विज्ञान की अंतर्गत एक विशिष्ट परिकल्पना है जो एडवर्ड शैपिर के भाषाई नियतिवाद एवं बेंजामिन ली उर्फ के भाषाई सापेक्षवाद, राइट, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म, भाषाई सापेक्षवाद का समन्वय है। तो इस तरह जो शैपिर उर्फ हाइपोथेसिस है, ये एडवर्ड शैपिर के भाषाई नियतिवाद और बेंजामिन ली उर्फ के भाषाई सापेक्षवाद का सम्मिलन है, समन्वय है। और इसलिए जब हम इसके इंट्रोडक्शन को लिखने जाते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि शैपिर उर्फ परिकल्पना भाषाई मानव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है जो कि एडवर्ड शैपिर के भाषाई नियतिवाद एवं बेंजामिन ली उर्फ के भाषाई सापेक्षवाद की अवधारणा का समन्वय है, राइट। इस अवधारणा के अंतर्गत जैसा कि हमने पहले बताया कि एडवर्ड शैपिर जो हैं वो कह रहे हैं कि भाषा संस्कृति को नियत करती है, संस्कृति को डिटरमाइंड करती है, राइट। तो आप एक चीज़ ध्यान ये रखिएगा कि आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं, और उसके माध्यम से भी आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको कहा कि ये दोनों चीज़ क्या करता है कि मनुष्य के विचार प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस, मनुष्य की क्रियाकलाप यानी कि यहाँ पर याद रखने के लिए आप अंग्रेजी भी वर्ड लिख सकते हैं, थॉट प्रोसेस, एक्शन, विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू, सामाजिक वास्तविकता, सोशल रियलिटी और
सांस्कृतिक व्यवहार। कल्चरल बिहेवियर, देखिए इन सारे चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करने जाएंगे तो फिर हम आंसर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। हम एक्सप्लेन अगर इसको करने लगे तो आंसर हम लिख नहीं पाएंगे, राइट, क्योंकि हमें लिखना है 150 शब्दों में। तो पहला जो लाइन आप लिखिएगा कि सैपिर उर्फ हाइपोथेसिस भाषाई मानव विज्ञान की एक प्रमुख अवधारणा है जिसका विकास से एडवर्ड सैपिर के भाषाई नियतिवाद और बेंजामिन ली उर्फ के भाषाई सापेक्षवाद के समन्वय से हुआ है, जिसके अनुसार भाषा संस्कृति को नियत ओब्लिक प्रभावित करती है। यानी सैपिर उर्फ परिकल्पना के अनुसार भाषा संस्कृति के अंतर्गत विचार प्रक्रिया, क्रियाकलाप, विश्व दृष्टि, सामाजिक वास्तविकता और सांस्कृतिक व्यवहार को निर्धारित करती है। ये चीज़ आप डायग्राम के रूप में या इस फ्लो चार्ट के रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंपल मतलब सिंपल बात है समझने के दृष्टिकोण से कि यह परिकल्पना कहती है कि भाषा या तो संस्कृति को नियत करती है, निर्धारित करती है, या संस्कृति को प्रभावित करती है। और ये दोनों विद्वानों के नाम पर इसको हम लोग सैपिर उर्फ परिकल्पना के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ें हमें इसमें करनी है, देखिए परिकल्पना कोई सिद्धांत नहीं होती है, हमेशा ध्यान में रखना है कि हाइपोथेसिस कोई सिद्धांत नहीं होती है। तो ये जो सिद्धांत इन लोगों ने दिया, दोनों लोगों ने दिया, तो इंट्रोडक्शन के बाद जो है कि इस परिकल्पना की जांच, देखो परिकल्पना की जांच का मतलब क्या है कि किस हद तक सही है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हाइपोथेसिस है, यूपीएससी ये पूछने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से यह सही है, तो इसकी जांच कैसी होगी, कैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने इसको इवैल्यूएट किया। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना है कि जो जांच हो रही है इसमें कुछ मानवशास्त्री इसके पक्ष में हैं और कुछ जो है इसके विरोध में हैं या विपक्ष में, ध्यान में रखना। जो पक्ष में है उनका मानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो परिकल्पना है, ये सही है, ठीक है। तो बार बार आप सुनते होंगे, कई टॉपर भी आपको बताते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का जो क्वेश्चन का आंसर लिखिए उसमें केस स्टडी देना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं आपको केस स्टडी के बारे में। और कई लोग तो न्यूज के जो मटेरियल है उसको भी केस स्टडी के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी का मतलब होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने केस स्टडी किया है कि नहीं। केस स्टडी हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल जो रिसर्च वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8 हमारे सिलेबस में, तो उसमें केस स्टडी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जो कि एंथ्रोपोलॉजी में क्यों नंबर इतना ज़्यादा मिल रहा, ये बात उन विद्यार्थियों को समझना है जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल नहीं रखे हैं, क्योंकि उनके मन में एक सवाल होगा कि भाई हम हिंदी साहित्य ले रहे हैं या हिस्ट्री ले रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं तो उसमें उतना मार्क्स नहीं आ रहा, ज्योग्राफी में उतनी मार्क्स नहीं आ रही है, एंथ्रोपोलॉजी में क्यों इतना मार्क्स आ रहा। तो उसका एक वजह यह है कि एंथ्रोपोलॉजी का जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो तो ऑब्जेक्टिव है ही, तो ऑब्जेक्टिविटी उसमें ज़्यादा है तो उसमें मार्क्स मिलेगी। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसमें हमारे पास अगर केस स्टडी अप्रोप्रिएट है या इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में केस स्टडी है और हम उसको टू द पॉइंट देते हैं
तो मार्क्स मिलेगा। और यही कारण है कि एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट जो है अदर विषय के स्टूडेंट्स, खासकर सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स से तो तुलना नहीं हो सकती है इसकी, अदर सोशल साइंस से इसमें मार्क्स सबसे ज़्यादा मिल रहा है। इसका कारण यही है कि अब हम जब जांच करेंगे पक्ष या विपक्ष में, तो हम इसकी जांच करेंगे केस स्टडी के माध्यम से, ठीक है। यानी कि पक्ष में 1, 2, 3 केस स्टडी, विपक्ष में केस स्टडी, और फिर लिमिटेशंस के बाद भी इसकी प्रासंगिकता, और तब हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे। और देखिए, ये मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस पे कंटेंट आपको मिलने में थोड़ी सी, मतलब आप पे पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे, जैसे अंबर एंड नंबर पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगी आपको। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब अंबर एंड अंबर जो है, जो बुक है, वो इंग्लिश में ही आ रही, हिंदी में नहीं आ रही। मेरे पास हिंदी मीडियम का भी एक बुक है अंबर एंड नंबर का, तो जो लोग एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं, हमसे जुड़कर काम करते हैं, तो उनको अगर पढ़ने का मन है तो फिर वो पढ़ सकते हैं, राइट। एंथ्रोपोलॉजी में हिंदी मीडियम में किताबें हैं, लेकिन बहुत सारी किताबें अब छप नहीं रही है, एक समस्या है, लेकिन मेरे पास कलेक्शन है उन चीज़ों का। तो केस स्टडी के माध्यम से हम पक्ष या विपक्ष दोनों में देखेंगे, यहाँ पर भी केस स्टडी देखेंगे, और इसी के कारण से मार्क्स ज़्यादा मिल रहा। इस बात को हमेशा आपको समझना है कि एंथ्रोपोलॉजी में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम केस स्टडी देते हैं, ये पॉसिबिलिटी हिस्ट्री में नहीं है, ये पॉसिबिलिटी जो है लिटरेचर में नहीं है, ये पॉसिबिलिटी जो है पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, और ये पॉसिबिलिटी ज्योग्राफी में नहीं है, और इस कारण से इसमें मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो पहला केस स्टडी हम इसके अंतर्गत देखें, फर्स्ट, तो फर्स्ट केस स्टडी तो बेंजामिन ली उर्फ, या हार्फ भी आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना कि कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप लिखें कि बेंजामिन हार्फ ने होपी भाषा और अंग्रेजी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन किया, ठीक है। इससे बेंजामिन उर्फ ने क्या किया था कि एक तो होपी इंडियन करके ट्राइब है ना, होपी भाषा, और दूसरा अंग्रेजी भाषा, ये होपी जो भाषी जो लोग हैं उन होपी भाषी लोगों के बीच फील्ड वर्क किए, उनके भाषा को सीखे, अंग्रेजी तो जानते ही थे। तो फिर इन्होंने कंपरेटिव स्टडी किया उसके स्ट्रक्चर का, जो भाषा की संरचना है उसकी, और उसमें ये पा रहे हैं कि होपी भाषा की जो संरचना है, देखो भाषा की संरचना में क्या अंतर है, भाषा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, तो ये कह रहे हैं कि होपी भाषा की जो संरचना है उसमें जो क्रिया यानी भर्व का जो रूप पे देखा जाता है, उसमें होपी भाषी लोग अपनी बातों को व्यक्त करते समय भर्व के भूत वर्तमान और भविष्यत काल के प्रति सचेत नहीं रहते, उतने ज़्यादा अलर्ट नहीं है, उसमें उसका उतना अलर्टनेस के साथ प्रयोग नहीं होता है। जनरली वो लोग अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं जैसे कि वर्तमान में वो चल रहा है, यानी भूत के प्रति और भविष्य के प्रति चेतना का अभाव उनकी भाषा में है, ये ऑलरेडी उनकी भाषा में है, ये भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। जबकि अंग्रेजी भाषा जो है, इस अंग्रेजी भाषा में जब हम बोलते हैं तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस टाइम के प्रति पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं और उसके अनुरूप भर्व का प्रयोग करते हैं, भर्व के फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहे हैं चूँकि दोनों की भाषाओं की संरचना में अंतर है, और भाषाओं की संरचना में अंतर है, तो इस अंतर के कारण दोनों की जो विश्व दृष्टि है
वर्ल्ड को देखने का जो नज़रिया है, जो समझने का नज़रिया है, यह दोनों में समय का बोध है, समय का बोध है ना, कंसेप्शन ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, कंसेप्शन ऑफ टाइम में अंतर हो जाता है। और इस कारण से दोनों के जो देखने का नज़रिया है, दोनों के विचार जो प्रक्रिया हैं, दोनों के जो कार्य प्रणाली है, दोनों की जो सामाजिक वास्तविकता है, दोनों के जो सामाजिक के व्यवहार है, सोशल बिहेवियर है, उसमें अंतर है। और इसलिए ये कह रहे हैं बेंजामिन ली ऑर्फ कि भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है। तो एक केस स्टडी देखिए, केस स्टडी जब आपको लिखना है तो कोशिश कीजिएगा कि दो तीन लाइन में उसके जो मेन चीज़ है उसको आप लिख दें। फिर यहाँ मैं कहूँगा कि आपको टर्म याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज किताबों में बहुत सारी चीज़ दी हुई है, आपको लिखना है कम में तो आप सीधे लिखेंगे कि उन्होंने होपी भाषा और अंग्रेजी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि इन दोनों भाषाओं की संरचना में अंतर है। और चूँकि संरचना में अंतर होने के कारण, चूँकि अंग्रेजी भाषा में टाइम का बोध है, यहाँ टाइम का बोध नहीं है, इनके वर्ल्ड दृष्टि में अंतर पाया जाता है, विश्व को देखने के जो तरीके हैं विश्व दृष्टि में अंतर पाया जाता है, इसलिए साबित होता है कि भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है। राइट, अब दूसरा जो केस स्टडी है यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि चूँकि आपको केस स्टडी जब आप देंगे तो उससे आपका नंबर बढ़ जाता है। ये अलेक्जेंडर ग्योरा है ना एंड हिज कलीग्स। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं ये टर्म, या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अलेक्जेंडर और उनके साथियों ने। ये तीन महत्वपूर्ण भाषा के जो हाउसेस हैं, होम्स हैं, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके बारे में ये स्टडी करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बातें जो सैपिर उर्फ हाइपोथेसिस था उसके आधार पर इन्होंने ये डिटरमाइन किया कि अगर भाषा मनुष्य के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, मनुष्य के क्रियाकलाप को प्रभावित करती है, मनुष्य के विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है, मनुष्य के सांस्कृतिक व्यवहार को प्रभावित करती है, मनुष्य के सामाजिक वास्तविकता को प्रभावित करती है, तो अगर भाषाओं में, किसी भाषा में जेंडर डिफरेंसेस से रिलेटेड यानी लैंगिक विभेद से रिलेटेड अगर शब्द ज़्यादा है या कम है, तो क्या बच्चों के जो बच्चे बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनके लैंगिक जो कॉन्सेप्ट है यानी लैंगिक विभेद के संदर्भ में उनमें जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो रहा, क्या भाषा उसको प्रभावित करती है? तो इन लोगों ने अध्ययन किया तीन प्रमुख भाषाओं के बारे में। एक तो हिब्रू भाषी गृह है ना, हिब्रू भाषी होम्स, ये कहाँ? इज़राइल। दूसरा अंग्रेजी भाषा गृह, ये यूएसए। और तीसरा फिनिश भाषा गृह फिनलैंड। देखिए एकदम आपको कम में लिखना है, ध्यान ये रखना है कि आपको शब्दों को एकदम तौल के लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। ये आंसर राइटिंग केवल नॉलेज के बल पर नहीं होता है, एक आर्ट है, ये कला है, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपके पास कला नहीं है तो आपको इसके लिए एक्सपर्ट का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप एकेडमिक एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। तो जब इन लोगों ने अध्ययन किया तो ये लोगों ने पाया कि इस भाषा में लैंगिक के
विभेद से संबंधित शब्द सबसे ज्यादा है, ठीक है, यानी जेंडर डिफरेंसेज वाले शब्द सबसे ज्यादा है। यहां पर इन्होंने देखा कि इससे कम है और यहां पर सबसे कम है। एक चीज है बस ध्यान में रखना है कि वही शब्द आपको लिखना है, लैंगिक विभेद से संबंधित भाषा के जो शब्द हैं। फिर इसका इम्पैक्ट बच्चों पर क्या पड़ता है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जो कि बढ़ने वाले बच्चे हैं, बचपन से बड़े हो रहे हैं। तो इन्होंने पाया कि भाषा में इस प्रकार के विभेद का बच्चों के लैंगिक जो कॉन्सेप्ट है, लैंगिक विभेद से संबंधित कॉन्सेप्ट है, उस पर प्रभाव है। क्योंकि जो हिब्रू भाषा के बच्चे हैं वो कम उम्र में ही लैंगिक विभेद को समझने लगते हैं या सेक्स के बारे में उनकी जानकारी कम उम्र में ही होने लगती है। जो अमेरिकन अंग्रेजी भाषी जो बच्चे हैं वो इनसे ज़्यादा उम्र में उनको सेक्स के बारे में या सेक्सुअल जो डिफरेंसेस है उसके बारे में जानकारी होती है। और फिनिश भाषा के बच्चों में सबसे ज़्यादा उम्र में राइट सेक्सुअल डिफरेंसेस या जेंडर डिफरेंसेस की जानकारी होती है। ये प्रैक्टिकल है, ये सत्य है। आज भी आप देखिएगा तो जो शहर में रह रहे हैं, जो बड़े सिटीज में रह रहे हैं, जिनके बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी भाषाओं में उनको सिखाया जाता है कि आप गाली गलौज मत करो, है ना, और स्त्री पुरुष के बीच समानता की बात सिखाई जाती है। गाँव में आप देखोगे तो आमतौर पर ज़्यादातर जो गालियाँ हैं उसमें लैंगिक गालियाँ हैं, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड गालियाँ हैं। तो बच्चे बचपन से ही वो बात सुन रहे हैं, जबकि शहर के बच्चे या जो बच्चे अच्छे माहौल में थोड़ा सा रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जिनके माँ बाप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो उस बात को सुन नहीं रहे हैं। तो ये भी दिखाई दे रहा है, इवन कि इंडिया में भी दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको लैंगिक विभेद की जानकारी कम उम्र में हो रही है, जबकि शहरी क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा उम्र में हो रही है, ठीक है। चूँकि वर्ड जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी भाषा को लर्न करके बच्चों का समाजीकरण होता, सोशलाइजेशन होता है। तो बच्चे कैसे होंगे, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसके निर्धारण में उसका सामाजिक व्यवहार कैसे होगा, उसका सांस्कृतिक बिहेवियर कैसे होगा, उसका कार्य प्रणाली कैसे होगा, वो कैसे सोचेगा, ये भाषा से प्रभावित होती है। इसलिए आप टू द पॉइंट इसको लिखिएगा कि इन तीन लोगों ने जो लैंगिक के विभेद से संबंधित शब्दों का अध्ययन किया इन तीन डिफरेंट भाषा समूहों में, तो इन्होंने पाया कि जिन भाषा समूह में लैंगिक विभेद से संबंधित शब्द ज़्यादा हैं उनके बच्चे कम उम्र में ही लैंगिक विभेद की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और जिन भाषा समूह में अगर लैंगिक विभेद से संबंधित शब्द कम हैं उनके बच्चे अपेक्षाकृत अधिक उम्र लैंगिक विभेद को समझते हैं। इसका मतलब यह है कि जो एडवर्ड शैपिर और बेंजामिन लियोर्फ कह रहे थे वो कुछ हद तक सच है, उसमें सच्चाई है। और इस तरह से ये जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी से भी ये प्रमाणित होता है कि भाषा जो है संस्कृति को प्रभावित करती है। एक तीसरा भी आप को मैं बता देता हूँ केस स्टडी। हालांकि ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो शब्द है लिख के देखिएगा, तो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए केस स्टडी जब आपको लगे कि और है और हमारे पास शब्द नहीं है, तो बस आप नाम गिना दीजिए कि उन्होंने कहाँ किया है ना। तो एक जॉन लूसी हैं जिन्होंने यूके टक
मयान ये लैंग्वेज है, अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज। इनके बीच अध्ययन किया, कंपरेटिव अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि इप्टिक मयान जो लैंग्वेज है उसमें नाउन के जो नंबर हैं, वचन जो हैं, उसको ज़्यादातर ये लोग न्यूट्रल यूज़ करता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में जो है मैस्कुलिन, फेमाइन और न्यूट्रल का भी तीनों का यूज़ करते हैं। तो जॉन लची का कहना है कि इस कारण से क्या है, चूँकि नंबर के प्रति इप्टिक मयान लोग सचेत नहीं हैं, तो नंबर का जो रिमेम्बर करना हो या नंबर का जो महत्व है लाइफ में वो इनकी संस्कृति में काफ़ी कम है, जबकि अंग्रेजी में काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे भी ये बात प्रमाणित हुई कि भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है, भाषा मनुष्य के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, मनुष्य के कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है, मनुष्य के जो विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू है, उसको प्रभावित करती है, मनुष्य के सामाजिक वास्तविकता को प्रभावित करती है और मनुष्य के सांस्कृतिक बिहेवियर को प्रभावित करती है। और इससे ये लगता है कि यह जो परिकल्पना है सही है, यानी भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है। अब देखो विपक्ष में भी केस स्टडी एक दो लिखना पड़ेगा कि भाई इसके लिमिटेशंस क्या हैं, यानी जब हम किसी परिकल्पना पर बात करते हैं, परिकल्पना सिद्धांत नहीं होता है, हाइपोथेसिस होता है, तो किसी भी हाइपोथेसिस की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, तो हम लिमिटेशंस लिखेंगे। लेकिन लिमिटेशंस से अगर हम केस स्टडी डालकर लिखें कि इसमें क्या ड्रॉबैक है, इसमें क्या कमियां हैं, तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है। देखो सारा चीज़ तो मार्क्स के लिए हम कर रहे हैं, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो आप मार्क्स के लिए करते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमारी इस विषय में रुचि है और हमने इस विषय को ऑप्शनल पेपर के रूप में रख लिया। मेरा मानना है कि आपके लिए रुचि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अगर आप पे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि मार्क्स कैसे मिलेगा, किस विषय में मिलेगा, राइट? तो इसमें केस स्टडी दो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो एक के हार्ट माल टॉकी, राइट? इन्होंने क्या किया कि होपी लैंग्वेज में ही, होपी भाषा में स्टडी किया बाद में, ठीक है, बेंजामिन ल्यूर्प के बाद में इन्होंने फिर उसी को चेक किया। देखो ये केस स्टडी मैं क्यों ले रहा हूँ, ध्यान ये रखना है कि जब आप कमीशन की तैयारी करते हैं तो आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। मैं दूसरा भी केस स्टडी ले सकता हूँ, इस पर कई केस स्टडी हैं। मैंने इस केस स्टडी को इस कारण से लिया कि ऑलरेडी बेंजामिन ल्यूर्फ इसी केस स्टडी के आधार पर अपनी परिकल्पना को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। एक हार्ट ने कहा कि होप्सी भाषा में भी समय का बोध है, यानी उनकी बातों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि कंसेप्शन ऑफ टाइम आल्सो प्रेजेंट इन होपी लैंग्वेज, राइट? जबकि बेंजामिन ल्यूर्फ ने क्या कहा था कि कंसेप्शन ऑफ टाइम डिड नॉट प्रेजेंट इन होपी लैंग्वेज, उसमें वो नहीं है। तो जैसे ही इन्होंने इस बात का फिर स्टडी करके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि होपी भाषी लोग जो है टाइम के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से भाषा संस्कृति को उतना प्रभावित नहीं करती है जितना कि ये लोग बात कर रहे हैं, है ना? और ख़ास करके बेंजामिन ल्यूर्फ के जो स्टडी था उस स्टडी को ही इन्होंने रिजेक्ट करने का प्रयास किया कि इन्होंने एक, अब देखिए दूसरा इम्पॉर्टेंट जो केस स्टडी है ये है आयोट एलवर्सन का, राइट?
और इन्होंने चार प्रमुख भाषाओं का अध्ययन किया, एक तो मंदारिन, दूसरा हिंदी, तीसरा सेसोथो, ये अफ्रीका का लैंग्वेज है, और चौथा इंग्लिश, है ना, ये अफ्रीका का ट्राइबल का लैंग्वेज है, ये हिंदी भारत और ये चीन। अब ये चार प्रमुख भाषाओं का कंपेरेटिव स्टडी करके इन्होंने कहा कि भाषाओं में समानता पाई जाती है, ऐसा नहीं कि भाषा संस्कृति को प्रभावित कर रही है, क्योंकि भाषा का संबंध ह्यूमन कॉग्निशन से है। कॉग्निशन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को, ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, यानी इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन का जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में ही भाषा को लर्निंग का प्रोसेस है, और पूरे मनुष्य में एक समान ही है वो प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कॉग्निशन, कॉग्निटिव पे जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, वो सिमिलर है, और इसलिए भाषा में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है। स्ट्रक्चर जो भाषा की होती है उसमें कोई खास अंतर नहीं होती है, और भाषा संस्कृति को प्रभावित नहीं करता। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी इससे हाइपोथेसिस को एक तरह से रिजेक्ट करता है, और फिर इससे एक बात ये आती है कि ये जो हाइपोथेसिस है इसमें लिमिटेशंस क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, ध्यान ये रखना कि लिमिटेशंस क्या है जब आप लिखते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, तो इसके लिमिटेशंस होंगे ही होंगे, जैसा कि दो केस स्टडी से इसकी लिमिटेशंस दिखाई भी थी। तो लिमिटेशंस क्या है कि पहला कि भाषाई नियतिवाद, ये सार्वभौमिक नहीं है, यानी भाषा संस्कृति को निर्धारित करती है, ये वैश्विक लेवल पर सही नहीं है, सारी भाषाओं के लिए आप पे इसको सही नहीं कह सकते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है, ठीक है, लेकिन संस्कृति भी भाषा को प्रभावित करती है, संस्कृति भाषा को प्रभावित करती है, ये चीज आप पे खास करके इस कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा है। ये एक पक्षीय कॉन्सेप्ट है जहां पर यह कॉन्सेप्ट भाषा की संस्कृति पर प्रभाव को दिखा रहा, लेकिन संस्कृति भाषा को कैसे प्रभावित करती है इस पर इसका ध्यान नहीं जा रहा, इसके माध्यम से इसको लिमिटेशंस को दिखाया जा रहा। और लिमिटेशंस को दिखाने के बाद, चूँकि आपको बहुत ही कम में लिखना है, तो फिर आप इसके जो निष्कर्ष होंगे उसके पहले इसकी प्रासंगिकता की बात कीजिए कि ये रिलेवेंट कैसे है, हाउ दैट कंसेप्ट इज रिलेवेंट फॉर आवर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो ठीक है कि इस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस हैं, लेकिन अधिकांश मानव शास्त्रियों का मानना है कि भाषा मनुष्य की विचार प्रक्रिया, मनुष्य की कार्य प्रणाली, मनुष्य के विश्व दृष्टि, मनुष्य के सामाजिक वास्तविकता और सांस्कृतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं कि अगर पितृसत्तात्मक समाजों की बात करें, चाहे ट्राइबल समाज की बात करें, भारतीय समाज की बात करें, जापानी समाज की बात करें, तो पितृसत्तात्मक समाज में भाषा में लैंगिक विभेद पर बल दिया जाता है, और स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाने का प्रयास किया जाता है भाषा के माध्यम से, और उससे व्यवहार निर्धारित होती है। जैसे आमतौर पर आप देखोगे कि
मैं एग्जांपल ये आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए कि भारत में इवन की मॉडर्न एडुकेटेड लड़कियाँ भी अपने पति को आप कहती है और उसका पति उसे तुम कहकर पुकारता है। या आप पे भारतीय समाज जाति आधारित समाज है, एक ही भाषा को बोलने वाले आप देखोगे कि उच्च जाति के लोग का निम्न जातियों के साथ जो संबंध है उसमें भाषा का जो व्यवहार करते हैं उसमें डिफरेंसेज होता है, क्योंकि निम्न जाति के लोग सम्मान सूचक आदर सूचक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उच्च जाति के लोग कम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग लोअर कास्ट के लोगों से करते हैं। तो ये भाषा में है जो कि हमारे सांस्कृतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। अब पहले से ही आपके माइंड में ये बातें चीज़ होती है कि हम इस तरह से चीज़ों को करते हैं और हैबिचुअल हो जाते हैं, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता है। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो यह जो हाइपोथेसिस है ये सामाजिक वास्तविकता को समझने में, भाषा सामाजिक वास्तविकता को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान आज भी कर रही है, और इसलिए अंततः हम कह सकते हैं कि भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है। यह दूसरी बात है कि भाषा खुद भी संस्कृति से प्रभावित होती है। तो इस तरह से आप इसके आंसर को आप लिख सकते हैं, राइट।